आज दिनांक 8 जून को शुक्रवार को झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ का प्रतिनिधिमंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महिला अध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ की मुख्य सलाहकार महुआ मांझी के नेतृत्व में संरक्षक सह झामुमो के रांची जिला कोषाध्यक्ष नितिन अग्रवाल और झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह चंदेल झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी से मिलकर स्वस्थ होकर झारखंड आने के लिए शुभकामनाएं दी। झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह चंदेल ने झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो से स्कूलों में की गई फीस वृद्धि को रोकने के लिए एवं अनाथ बच्चों के फीस माफी को लेकर ज्ञापन दिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी अभी बाहर है, उनके आते ही इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस पॉजिटिव आश्वासन पर झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ की मुख्य सलाह सह झामुमो महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष महुआ मांझी, संरक्षक सह झामुमो के रांची जिला कोषाध्यक्ष नितिन अग्रवाल, अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह चंदेल ने शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट किया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र महिला अध्यक्ष श्रीमती महुआ मांझी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ का प्रतिनिधि मंडल झारखंड के शिक्षा मंत्री से मिला और हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह मांग की कि जो भी आज इस कोरोना काल में फीस वृद्धि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा की गई है उसे अविलंब रोका जाए, साथ ही साथ कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी फीस को पूरी तरह से उस स्कूल में माफ कर उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया जाए। इस पर झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री अभी बाहर हैं, उनके आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग इन सभी चीजों पर रोक लगाएंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला कोषाध्यक्ष श्री नितिन अग्रवाल जी भी साथ रहे। धन्यवाद। नंदकिशोर सिंह चंदेल, अध्यक्ष झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ रांची।